मैं क्या बेबे, लवली को ना निम्रत जैसा होना चाहिए था, पूरा नहीं तो कम से कम थोड़ा सा ही हो जाती। जो बात है ही नहीं उस पर उदास क्या होना। मैं तो सिर्फ इतना सोच रही हूँ कि काश हमारे घर की छोटी बहू निम्रत जैसी होती। मॉम सही कह रही थी, ये लोग चाहते हैं कि मैं सिकंदर की लाइफ से आउट हो जाऊं। ये इनकी प्लानिंग है। वो सॉरी, वो आप कहीं जा रही हैं? तुम यहाँ क्या कर रही हो? लवली जी, मैं जानती हूँ कि आप मुझे पसंद नहीं करती, पर बस एक मिनट, मैं यहाँ अपने लिए नहीं आई हूँ। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं आपकी केयर करती हूँ। इसलिए मैं आपको ये बताने आई हूँ कि एसएसजी बहुत टेंशन में है। इनफैक्ट पूरा का पूरा घर बहुत परेशान है। मैं तो कुछ कर नहीं सकती, पर आप तो उनकी हेल्प कर सकती हैं ना। उन्हें आप सबको ऐसा देखकर मुझे बहुत फिक्र होती है। तुम्हारे एसएसजी को ना तुम्हारी फिक्र चाहिए होगी, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। आउट आउट। देखिए, आपको जो भी बुरा बोलना है आप मुझे बोल लीजिए, मेरा क्या है? मैं तो आपकी कोई नहीं हूँ ना, पर आप अपनी हस्बैंड की हालत के बारे में तो सोचिए। ये लड़ाई झगड़े में क्या फायदा? Shake it off right now। जानती हूँ मैं तुम क्या कर रही हो और क्या करने की कोशिश कर रही हो। यहाँ मेरी फ्रेंड बनने का ढोंग कर रही हो। हाँ, तुम्हें लगता है मैं अंधी हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता? सबके सामने इतनी स्वीट बन रही हो, सबको अपने साइड ले रही हो ताकि मेरे घर में मेरी जगह ले लो। How dare you! मैं आप दोनों के बीच में कैसे आ सकती हूँ? मैं तो बस इस घर में मेहमान हूँ, कुछ ही दिन में चली जाऊंगी। मेहमान हो ना, कुछ दिनों की, कुछ दिन क्या, अभी क्या अभी निकलोगी मेरे घर से। मैं दिखाती हूँ कैसा रहती हूँ। मेरे बारे में गलतफहमी हो रही है, प्लीज। अब मैं बस आपकी हेल्प के लिए कैसे किया? हाथ छोड़ो मेरा, मैं तुम किसी लड़कियों को जानती हूं, मैं नहीं आई हूं। हाथ छोड़ो। सुनिए तुम, काम हो गया। एसएसजी की कसम, असली सुपरस्टार तो तू है निम्मी। क्या एक्टिंग की है। रुकिए, अरे अरे उठ क्यों रहे? बैठिए ना, बैठिए बैठिए। शानदार ब्रेकफास्ट तो एंजॉय कीजिए। आज क्या पता, पता था आलू के पराठे। पेट भर के खाया, खाए ना। और मम्मी जी आप लोग तो फाइनली बहुत खुश होंगे ना, आपको गुंजन भाभी से बेटर आलू के पराठे बेलने वाली लड़की मिल गई। अरे इतनी खुशी की बात है, मुंह क्यों सड़ा के बैठे हैं? शर्म आनी चाहिए, सीरियसली। एक रात वेट नहीं कर पाए ना आप लोग, एक रात नहीं रुक पाए। कल रात को मेरा और सिकंदर का झगड़ा हुआ, आज सुबह नई बहू को घर लाने के नए सपने देखने लगे, प्लान बनाने लगे। तुम्हें तो शादी के कार्ड भी छपा ले होंगे। कांग्रेचुलेशन सिकंदर। क्या बकवास कर रही हो? ये बकवास नहीं, सच है। ये तुम्हारी फैमिली चाहती कि तुम्हारी शादी उस निम्रत के साथ हो जाए। और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। क्यों है? क्या क्या कर रही हो? रुक जाओ। मैं रुक जाऊंगी। क्या कर रही हो? मैं रुक जाऊंगी, लेकिन वो निम्रत ना इस घर में नहीं रुकेगी एक सेकंड के लिए भी। प्लीज आप गुस्सा मत होइए, आप गलत समझ रही हैं। जैसा आप सोच रही हैं वैसा नहीं है। दिमाग खराब है मेरा, दिखाई नहीं देता हूं मैं। सब जानती हूँ क्या प्लान है तुम्हारा। प्लान बना रहे ना आप लोग सब, और प्लान बन रहे हैं हाँ, ताकि ये मेरी जगह ले ले, निम्रत मेरी जगह ले ले इस घर में, सिकंदर की लाइफ में। तुम्हारी भी इसीलिए हो ना यहाँ, इसीलिए आई हो ना, हमारी जिंदगी बर्बाद करने आई हो ना। दिमाग खराब हो गया जो मन में बोली जा रही हो। दिमाग खराब नहीं हुआ है, दिमाग ठिकाने आया है। मेरी मॉम पहचान गई थी सबका प्लान क्या है। मुझे अभी पता चला, अभी पता चला सब क्या कर रही हो। भाभी जी मैं संभालता, सब ठीक करता हूं मैं। क्या ठीक करोगे? आज सब कुछ ठीक किया है, आज एकदम से क्या ठीक कर दोगे? आप प्लीज इन्हें कुछ मत कहिए। लवली जी आपके गुस्से की वजह मैं हूं ना, इस झगड़े की जड़ मैं हूं ना, तो मैं ये घर छोड़कर चली जाती हूँ। वेरी गुड, प्रॉब्लम सॉल्व। आउट। आप सबने मुझे बहुत कुछ दिया, मुझे इस घर में रहने दिया, मेरी वजह से यहाँ हर बार कुछ ना कुछ हमेशा टेंशन होती रही है। मैं तो बस इतना चाहती थी कि इस घर में खुशियाँ रहे। ना ये घर वाले तुम्हारे, ना ये घर तुम्हारा है, तो इन्हें खुशी मिले, इन्हें दुख मिले, खुशी मिले, तुम्हारा कोई ना देना नहीं किसी से भी। आउट नाउ। मुझे बोलने दीजिए हक है इनका, पर मैं यहाँ से चली जाऊंगी सच, पर मैं बस आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से आपको कोई भी प्रॉब्लम हो। प्रॉब्लम हो रही है ना, तू कहीं नहीं जाएगी। एक मिनट नहीं इस घर में क्या होगा? चुप तुम, ये भाभी जी की बहन है, ये हमारी मेहमान है और तुम इनसे ऐसे बात नहीं कर सकती, ऐसा घर ऐसा सामान नहीं फेंक सकते उनका। मिसेस जी प्लीज आप लवली जी से नहीं लड़िए। भाई जी मैं जा रही हूँ, मैं फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। बट रब से यही दुआ मांगूंगी कि लवली जी और एसएस जी साथ रहे और मेरी कुल्फी हमेशा खुश रहे। प्यार में ना बहुत ताकत होती है। आप सब एक साथ प्यार से रहना, फिर देखना कोई मुश्किल ना आस पास भी नहीं आएगी। आप सब ने मेरे लिए इतना कुछ किया और मेरी वजह से सिर्फ आप लोगों को प्रॉब्लम्स हुई। तो नहीं जाएगी यहाँ से, हो सके तो मुझे माफ कर देना। बैग जिया है। मन तो मेरा था कि मैं आपके साथ और भी गाने गाऊं, आपके लिए पिन्नियां बनाऊं और बहुत सारा प्यार दूं। मुझे जाना पड़ेगा। कितना टाइम वेस्ट कर रही है लड़की, जाना ही नहीं चाहती यहाँ से। सर पे बैठेगी मेरे। हो गए डायलॉग्स की और बाकी है। बैग्स लिफ्ट आउट नाउ। रहे थे मैं आपसे जो भी मांगूंगी आप वो मुझे दोगे। तो कम कर। हाँ सितार वाली बात से नोचाने मत तुम। सामान अंदर लेके जाओ, कोई नहीं जाएगा यहाँ से। Are you kidding me? अभी कुल्फी डिसाइड करेगी कि मेरे घर में हमारे घर में कौन रहेगा। हमारा घर क्या? हमारा घर कब से देख रहा हूँ, हमारा घर हमारा घर। अरे कौन सी करवट जागी हैं पुरानी साहिबा जो हमारा घर बन गया आपके लिए। कल रात को क्या कह के गए थे आप कि हमारा रिश्ता खत्म, फैमिली खत्म, सब कुछ खत्म। आपने फरमान जारी किया था ना कल रात को, आपको याद दिला तो भूल गई तो आप। सिकंदर और लवली का रिश्ता खत्म, इट्स ओवर। जब आपका मेरा कोई रिश्ता नहीं है तो आप मेरे घर वालों से क्या नाता जोड़ रही हो? और इस घर में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा ये फैसला करने का हक आप गवा चुकी है। अब इस छत के नीचे आपका कोई नहीं है, कोई नहीं। आप अपने घर जाइए। लवली जी मुझे निकालने आई थी, इन्हें तो एसएसजी नहीं निकालती। हेल्प के लिए थैंक यू कुल्फी, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। अब मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है। अब मेरा एसएसजी की वाइफ बनने का सपना पूरा होगा। और मैं आपको रेलवे ट्रैक्स पर लेके चली गई। really sorry हमारा, मैं आपको कभी भी हर्ट नहीं करना चाहती थी। I know mom, पूरे अपने पेट को लाकर दिया था, चिपटे नहीं थी। अब तो मुझे वहाँ से हटा दिया था। वर्ल्ड की सारी मॉम्स अपनी बेबीज को इतना सेफ रखती है, मैं अपनी बेबी को वहाँ ले गई। हमारा अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं मर जाती। I'm very sorry, please मुझे कभी हेट मत करना। अगर आप भी हेट करने लगे ना मैं बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी, मुझसे कोई प्यार नहीं करेगा। मायरा प्लीज बेबी। अब तो हाँ देखो मुझे एक स्क्रैच भी नहीं लगा। अब प्लीज मत रो मामा, I love you। I promise मैं आपको हमेशा सेफ रखूंगी, कभी कुछ नहीं होने दूंगी। मैं सब ठीक कर दूंगी मायरा, ओके? मैं सब ठीक कर लूँगी। I promise you baby, I really love you। मत रोना। प्यारी जी ने घर पे आके सबसे लड़ाई बचा ली। कहा कि सितार वाली मासी को यहाँ से भेज दो जी। खूब गुस्सा किया पर बाबा ने उन्हें मेरे कहने पे नहीं भेजा। मैंने ठीक किया ना माँ। प्यारी जी मैंने बहुत प्यारी लगती थी और वो इन्नू से अमीरी जी को रेलगाड़ी के सामने ले गई। मैं भी वहाँ थी, पापा भी। किसी को चोट लग जाती तो क्या? प्लीज बड़े लोग छोटे बच्चों का ध्यान रखते हैं, जैसे तू मेरा रखती थी, सितार वाली माँ से मेरा रखती है। वो ही था। मैंने ऊपर से उतार के सिकंदर जी के पास ले गई। जब मैंने डर लगा तो बहुत सारा प्यार किया। इतनी अच्छी मासी को रोक के मैंने ठीक किया ना माँ। आज उन्होंने तेरा वाला भजन भी गाया, मेरे लिए पिन्नियाँ भी बनाई। उनका तो नाम भी निम्रत है। अगर वो प्यारी जी की जगह होती तो कितना अच्छा होता, है ना माँ? माँ बस एक बार ही जवाब देते, सितार वाली मासी को रोक के मैंने ठीक किया ना। सिकंदर जी लौट के जरूर आना। गुस्सा कैसे इस घर में? रिश्ते तो नहीं रिश्तों की परछाइयां मिली, ये कैसी भीड़ है बस यहाँ। देवर की बेटी अमाना। अरे मारा तो तुमने निम्रत को भी तो था। नफरत करते हो तो छोड़ क्यों नहीं देते मुझे? मुझे डिवोर्स दे दो सिकंदर। लवली अमायरा की फुल कस्टडी चाहती है। आज से लवली और सिकंदर का कोई रिश्ता नहीं। आपने बैलून टेप बचाया। आपने मेरे क्यों नहीं बचाया? गाना गाना तो जा ही नहीं रहा। पूरी दुनिया में मेरा और कोई भी नहीं है। चिंता मत कर, हमारे सिक्के को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगा। सिकंदर जी, डॉक्टर मूर्ति, इंजेक्शन प्लीज। हाय राम जी, ये सब क्या हो गया? मैं तो सोच के आई थी कि अब मेरी और एसएसजी की शादी हो जाएगी, पर यहाँ तो अगर उन्हें कुछ हो गया तो। अच्छा अच्छा सोचना चाहिए, सब ठीक हो जाएगा। एक्सरसाइज थोड़ी ज्यादा कर ली होगी इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है, वरना इतने यंग बंदे को ऐसे ही थोड़ी ना कुछ हो सकता है। क्यों डॉक्टर, मेरा सिक्का ठीक तो है ना? वो ठीक नहीं है, उन्हें हार्ट अटैक आया है। उनकी हालत बहुत खराब है। पुत्र, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो डॉक्टर जी से? ये तो बुरी बात है ना। बुरी बात तो डॉक्टर दीदी कर रही है, झूठ बोल के। आप कुछ कहते हैं ना, आपने पाले में मिला लिया ना। पुत्र, ये कोई खेल नहीं है बच्चे। चलो पता है ताऊ जी, खेल नहीं है, ये सजा है। केड़ी सजा पुत्र? मैं उससे गुस्सा थी, मैंने उनके नाल बात भी नहीं की, उनके आंसू भी नहीं पहुंचे। इस वास्ते वो डॉक्टर दीदी के साथ मिलकर मैंने सजा रहे हैं। दादी आप उन्हें जोर से डांट दो ना, छोटे बच्चों को इतना गंदा चूना नहीं चटाते। कुल्फी, अच्छा, आपके सिकंदर जी आपको कोई सजा नहीं दे रहे। सिकंदर जी की हालत बहुत नाजुक है। आपने तब मेरे तुम्हें बचा लिया था ना डॉक्टर दीदी, आप तो कुछ भी कर सकते हो ना। आप सिकंदर जी को बचा लो, उन्हें कुछ मत होने दो प्लीज। बेटा वो मेरे सब कुछ है, सब कुछ। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? तुझे जाओ दीदी, अंदर जाओ, उनको बचाओ। बस उनको बोल देना मैं उससे कोई गुस्सा नहीं, हमारी लड़ाई माफ हो गई। मैं उससे बहुत प्यार कर दिया, उनको बोला मैं उनसे कभी भी गुस्सा नहीं होगी, पक्का वादा, सच्चा वादा। अब मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपके सब कुछ को बचाने के लिए मैं सब कुछ करूँगी, लेकिन आप सबको भी उनके लिए प्रार्थना करनी होगी। कहते हैं कि भगवान बच्चों की प्रार्थना ना बहुत जल्दी सुन लेते हैं, करोगे ना प्रार्थना? ट्रीटमेंट का असर क्यों नहीं हो रहा है? सिकंदर जी, आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। StarPlus के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें StarPlus YouTube पेज को।